जरा सोचिए, आपके शहर में एक ऐसा धुआं फैल जाए जो जहरीला हो, जो भी उसके अंदर सांस लेता है वो तुरंत मर जाता है, और ये जहरीला धुआं शहर को पूरी तरह से ढक देता है। आज की मूवी अ ब्रीथ अवे में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत पेरिस शहर से होती है, जहां हम मैथिव नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी बेटी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। उसकी वाइफ का नाम एना है। हम उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम सारा है, जो कि एक कैप्सूल के अंदर रहती है, क्योंकि उसे स्टिम्बर्गर सिंड्रोम नाम की एक एलर्जी है, जिस वजह से वो खुले हवा में नहीं निकल सकती और उसे एक कैप्सूल के अंदर ही रहना पड़ता है। मैथ्यू अपनी वाइफ एना से कहता है कि वो कनाडा गया था और उसे अपनी बेटी की बीमारी के लिए इलाज मिल गया है। वो एना को कन्विंस करता है कि उन्हें ये ट्राई करना चाहिए। एना पहले उसे मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती और यही अब उसकी बेटी की लाइफ है, लेकिन मैथ्यू उसे कहता है कि एक कैप्सूल के अंदर बंद रहना कोई लाइफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर अपने दो दोस्त चार्लेट और नोई से बात किया करती है। उन दोनों को भी यही सेम बीमारी है, जिस वजह से वो दोनों भी अपने घरों में कैप्सूल्स के अंदर बंद रहते हैं। उस दिन मैथ्यू अपने घर पर नहा रहा था, तब अचानक तेज भूकंप आने लगता है। भूकंप की वजह से लाइट चली जाती है और सारा का कैप्सूल बैटरी से चलने लगता है। मैथ्यू जब बाहर निकलकर देखता है तो हैरान होता है कि सब लोग भाग रहे थे, अचानक जैसे सुनामी आ गई हो। उसके सामने धुएं की लहरें आने लगती है और तेजी से सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। मैथिव भागता हुआ अपने घर जाता है। वो समझ जाता है कि ये कोई टॉक्सिक गैस है। वो जल्दी से घर पहुंचकर एना को सभी दरवाजे खिड़की बंद करने को कहता है। वो एना को अपने साथ लेकर ऊपर वाले फ्लोर्स की तरफ जाता है और सारा से कहता है कि वो लोग उसे कांटेक्ट करेंगे। वो दोनों भागते हुए ऊपर वाली फ्लोर पे अपने नेबर्स लूसियन और उसकी वाइफ के पास जाते हैं। गैस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। वो देखते हैं कि गैस उनके फ्लोर से नीचे ही रुक गई थी और धीरे धीरे सेटल होने लगी थी। वो सारा से वॉकी टॉकी के थ्रू कॉन्टेक्ट करते हैं ये पूछने की वो सेफ है। सारा उन्हें बताती है कि गैस उसके कैप्सूल के अंदर नहीं आई है, लेकिन घर पूरी तरह गैस से भर गया है। मैथ्यू और एना रिलीफ फील करते हैं, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये थी कि कैप्सूल की बैटरी 8 घंटे तक ही चलेगी। मैथ्यू दूरबीन लेकर घर की छत पर चढ़ जाता है और देखता है कि ये गैस पूरे शहर में फैल चुकी थी और जो लोग अब भी जिंदा थे वो अपनी छतों पर आ चुके थे। इसके बाद मैथ्यू रूम से बाहर निकलकर देखता है कि गैस ठीक उनके फ्लोर से कुछ सीढ़ियों नीचे ही रुक गई थी। वो धीरे से उसमें हाथ डालता है और फिर कुछ सोचता है। वो एना को कहता है कि हमें किसी तरह नीचे जाना होगा, लेकिन एना का कहना है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हम अपनी सांस रोककर अगर नीचे चले भी जाएंगे तो भी सारा के कैप्सूल की बैटरी चेंज करके वापस आना इम्पॉसिबल है। तब मैथ्यू को याद आता है कि उन्हें एक नेबर के पास हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। वो रिस्क लेता है और एक हथौड़ा और टेप लेकर लंबी सांस लेकर बिल्डिंग के पाइप के जरिए नीचे जाता है। वो अपनी सांस रोके हुए था और खिड़की तोड़कर वो घर के अंदर घुसता है। वहां वो आदमी मरा पड़ा था। मैथ्यू को ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क भी मिल जाता है, जिसे वो पहन लेता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो दूसरे रूम में जाता है, जहां वो देखता है कि एक छोटा पप्पी अब भी जिंदा था लेकिन उसकी माँ मर चुकी थी। मैथ्यू वहां से निकलकर अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कुछ खाना और बैटरीज देता है। वो सारा को कहता है कि उसे हेल्प लेने जाना होगा और वो वहां से निकल जाता है। मैथ्यू घर से बाहर आकर रोड पर देखता है कि हर जगह लोग मरे हुए थे और डेड बॉडीज के ढेर लगा हुआ था। वो पूरी तरह हैरान हो चुका था। वो एक कार की बैटरी निकालता है और उसे बैग में रखता है। उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि ये कुछ सोल्जर्स थे जो बचे हुए लोगों को अपने साथ ले जा रहे थे। उनके पास ढेर सारे मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे। मैथ्यू एक सोल्जर से मास्क ले लेता है। सोल्जर जब मैथ्यू को अपने साथ चलने को कहता है तो मैथ्यू उसे मना करता हुए कहता है कि उसकी बेटी कैप्सूल में है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैथ्यू उससे एक एक्स्ट्रा मास्क और ऑक्सीजन एना के लिए भी लेता है। उस सोल्जर से मैथ्यू को यह भी पता चलता है कि ये गैस भूकंप के बाद जमीन के नीचे से आई है। मैथ्यू वापस आकर फ्लोर पर गैस के लेवल को मार्क करता है। वो काफी टेंशन में था। वो एना को बताता है कि गैस का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो लोग यहाँ पर सेफ नहीं है। वो एना को बताता है कि रोड पर ढेर सारे लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेरिस शहर की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी होगी, जिसका मतलब है कि पब्लिक सर्विसेज ठीक से काम नहीं करता होगा। यानी कि कोई पुलिस नहीं, लोगों का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं और पावर सप्लाई ठीक करने के लिए कोई टेक्नीशियन भी नहीं। ये सुनकर एना को काफी टेंशन होता है और वो रात में नीचे अपनी बेटी के पास जाती है जो कि सो रही थी। एना उसके कैप्सूल की बैटरी चेंज करती है। अगली सुबह एना और मैथ्यू देखते हैं कि कुछ बेवकूफ लोग दंगे कर रहे थे। एना कहती है कि उन्हें सारा की फ्रेंड चार्लोट के पास जाना चाहिए। वो लोग सारा को चार्लोट के कैप्सूल में कुछ टाइम के लिए रख देंगे ताकि सारा अकेली ना पड़ जाए। अब आप सोचेंगे कि ये पॉसिबल कैसे है, तो आपको बता दें कि सारा कैप्सूल के बाहर तो निकल सकती है, लेकिन उसके लिए उसे एक स्पेशल सूट पहनना होगा। और इसी सूट को लेने के लिए एना और मैथ्यू निकल पड़ते हैं, जो कि उन्हें पेरिस के एक लैब में मिलेगा।
दोनों ऑक्सीजन लगा कर जा रहे थे क्योंकि एक कुत्ता उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और मैथ्यू एक कैनाल में गिर जाता है। एना काफी मुश्किल से उस कुत्ते से पीछा छुड़ाती है और ये सोचकर काफी परेशान होती है कि मैथ्यू शायद बचा ना हो। लेकिन मैथ्यू अब भी जिंदा था, वो उस कैनल से निकलकर रोड पर जाता है। वही एना लैब तक पहुंच चुकी थी तब अचानक उसे मैथ्यू मिल जाता है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है। वो दोनों लैब के अंदर जाते हैं जहां एक रूम में आग लग रही थी। उन्हें वो स्पेशल सूट मिल जाता है लेकिन तब अचानक वहां एक धमाका हो जाता है जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। एना उसे जगाती है लेकिन वो सांस नहीं ले पाता। वो देखती है कि मैथ्यू के ऑक्सीजन सिलेंडर का पाइप कट चुका था जिस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा था, जिसके बाद एना उसे अपने मास्क से थोड़ा ऑक्सीजन दे देती है। बारी बारी से ऑक्सीजन लेते हुए वो दोनों सूट का बॉक्स उठाकर उस बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर आते हैं। एना मैथ्यू को चोट पर पट्टी करती है। अब उनके पास एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर बचा था, वो उसे थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिलेंडर में ऑक्सीजन काफी कम बचा था जिस वजह से उनमें से कोई एक ही वापस जा सकता है। मैथ्यू एना को जाने के लिए कहता है लेकिन वो मना करती है। तो मैथ्यू कहता है कि हमारी बेटी को तुम्हारी जरूरत है इसलिए तुम जाओ। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एना वहां से चली जाती है। इधर मैथ्यू रूप से होता हुआ दूसरी बिल्डिंग्स में जाने लगता है। वही एना देखती है कि उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। वो भागते हुए बिल्कुल अपनी आखिरी सांस पर अपने रूम तक पहुंच जाती है। फाइनली अब उसके पास वो स्पेशल सूट था जिससे वो अपनी बेटी को बचा सकती है। लेकिन वो देखती है कि वो सूट उस ब्लास्ट की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो अब उन्हें किसी काम का नहीं था। ये देखकर एना बेचारी रोने लगती है। वही दूसरी तरफ मैथ्यू घरों के ऊपर से चलता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक आदमी मरा हुआ मिलता है जिसे किसी ने कुछ ही देर पहले मारा था। वो डर जाता है। वो उस जगह के अंदर जाता है तो उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। वो उसे पहन लेता है लेकिन तभी वहां पुलिस के कपड़े पहना एक आदमी आ जाता है। ये आदमी मैथ्यू को मास्क निकालने को कहता है। मैथ्यू समझ जाता है कि किसी ने उस आदमी को मारा है और वो ये भी जानता है कि ये आदमी उसे भी मार देगा, इसलिए वो जल्दी से मास्क पहनकर उस आदमी को धक्का मारकर गैस के अंदर कूद जाता है। ये आदमी सांस रोके हुए मैथ्यू को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन मैथ्यू को खुद को बचाने के लिए उस आदमी को मारना ही पड़ता है। वही दूसरी तरफ एना अपने फोन में ऐप से देखती है कि सारा का कैप्सूल का बैटरी भी खत्म होने लगा था। एना को उसकी बैटरी जल्दी से चेंज करना होगा क्योंकि बैटरी के खत्म होते ही गैस उस कैप्सूल के अंदर जाने लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास अब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। वॉकी टॉकी पर बात करते हुए सारा अपनी माँ को बताती है कि वो नोए से प्यार करती है। उसकी माँ जानती है कि शायद वो अपनी बेटी से आखिरी बार बात कर रही है। वो काफी इमोशनल होकर उससे बात करती है। इसके बाद वो जल्दी से अपनी सांस रोककर भागते हुए अपनी बेटी के रूम में जाती है और कैप्सूल की बैटरी चेंज करती है। गैस जो कि कैप्सूल के अंदर जाने लगी थी रुक जाती है। सारा उसे कहती है कि वो बिना मास्क के क्यों आई। एना उसे आखिरी बार देखकर वहां से चली जाती है। मैथ्यू तभी घर पहुंचता है। सारा उसे बताती है कि उसकी माँ बिना मास्क के बैटरी चेंज करने आई थी। ये सुनकर मैथ्यू भागता हुआ ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है कि एना जमीन पर मरी पड़ी थी। ये देखकर वो रोता हुआ ऊपर फ्लोर पर आता है। मैथ्यू पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपनी बेटी को वॉकी टॉकी पर जवाब भी नहीं दे पाता। सारा लगातार पूछती है कि माँ किधर है तो भारी मन से आखिर में मैथ्यू उसे बताता है कि एना मर चुकी है। कुछ देर बाद अचानक तेज भूकंप आने लगता है और मैथ्यू देखता है कि गैस का लेवल बढ़ने लगा था। वो लूसियन से कहता है कि घर आते वक्त उसने एक जगह पर एक ट्रक देखा था जिसमें कुछ सूट्स रखे हुए थे। वो कहता है कि वो उन सबके लिए भी सूट्स लेकर जल्दी आएगा। लेकिन लूसियन कहता है कि उस सूट की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो मरना चाहता क्योंकि उसने अपनी लाइफ काफी बढ़िया तरह से जी ली है। इसके बाद मैथ्यू अपनी बेटी के पास जाकर उसे बताता है कि वो जल्दी वापस आएगा। लेकिन सारा नहीं चाहती कि वो बाहर जाए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई है और अब अपने पिता को भी वो अपनी वजह से खो देगी। वही दूसरी तरफ गैस धीरे धीरे लूसियन के रूप में बढ़ जाती है जो अपनी वाइफ के साथ बेड पर मौत का इंतजार कर रहा था। इधर मैथ्यू को वो सूट मिल चुका था। वो एक स्कूटर पर अपने घर की तरफ तेजी से बढ़ता है तब अचानक उसके सामने एक बच्चा आ जाता है जिसने मास्क नहीं पहन रखा था। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मैथ्यू का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर सारा के रूम में कोई आता है जिसे देखकर वो डर जाती है। वही यहाँ जब मैथ्यू की आंख खुलती है तो वो सूट को दोबारा अपने साथ लेकर थका हुआ घर की तरफ बढ़ता है। वो अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब उसे नहीं मिलता। वो हार कर एक जगह बैठ जाता है और गैस के बीच से आती हुई दो परछाई देखता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी सारा और उसके दोस्त नोई थे। दरअसल वो बच्चा जिस वजह से मैथ्यू का एक्सीडेंट हुआ था वो नोई ही था। सारा और नोई दोनों बिना मास्क के भी उस गैस में सांस ले पा रहे थे। सारा भागते हुए अपने पिता को हक करती है। सारा उसे बताती है कि नोई उसे लेने आया था क्योंकि गैस का असर उनके ऊपर नहीं होता।
मैथ्यू ये सुनकर काफी हैरान है और खुश होता है और थोड़ी देर के लिए मास्क निकालकर अपनी बेटी को किस करता है और वो उसे कहता है कि फाइनली तुम आजाद हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू की आंख खुलती है और वो अब कैप्सूल में रह रहा था और सारा बाहर रहकर उसका ध्यान रखती है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि सारा को गैस ने अफेक्ट क्यों नहीं किया, ये हमें मूवी में बताया नहीं गया है। दोस्तों इस पर अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।